आजादी के अमृत महोत्सव पर संस्कार धानी भी नरेंद्र मोदी सरकार के अभियान हर घर तिरंगा में सराबोर नजर आई। लोगों ने श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ अपने अपने घरों की छतों पर तिरंगा लहराया। शनिवार को ही प्रतिष्ठानों के साथ शहर के प्रशासनिक भवनों पर तिरंगा लहरा दिया गया। ऐतिहासिक स्थल भी इस पर्व के गवाह बने। बर्मी डैम, हनुमान ताल तालाब, मदन महल किला के अलावा जगह जगह तिरंगा रैली भी निकाली गई। आज इन्हीं में से एक ऐतिहासिक स्थल मदन महल के बारे में हम बात करेंगे। भारत का एक ऐसा किला जिसे एक राजा ने बनाया तो था अपनी शानो शौकत के लिए, लेकिन युद्ध और हमलों की वजह से सेनाओं ने इस महल का इस्तेमाल वॉच टावर के रूप में किया। खंडर में भले ये महल तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी बहुत प्रचलित है और सबसे ज्यादा तो वो कहानी सुनी और सुनाई जाती है जिसके मुताबिक यहाँ सोने की ईंटें गड़ी हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए कई लोग खुदाई कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मदन महल की, जिसका निर्माण 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह ने करवाया था। ये किला राजा की मां रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहादुर गोंड रानी के रूप में भी जानी जाती हैं। ये किला आज भले खंडर में बदल चुका है, लेकिन यहाँ आप शाही परिवार का मुख्य कक्ष, युद्ध कक्ष, छोटा सा तालाब और अस्तबल देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोंड राज्य पर मुगलों ने लगातार कई हमले किए थे, जिसकी वजह से किले की ऐसी हालत हो गई है। मदन महल किले का इतिहास गोंडवाना राजाओं के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। इस किले को 10वें गोंड राजा मदन सिंह का सुख महल भी कहा जाता है। वो रानी दुर्गावती के पुत्रों में से एक थे। अभी ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। इसे बेहतरीन तरीके से रखने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। हालांकि मुगलों ने इसको उजाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ किले के अंदर एक तालाब है। कई काले बंदर किले के अंदर और बाहर घूमते हैं। इस महल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक गुप्त सुरंग मिली थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि यह सुरंग मंडला जाकर खुलती थी। इस सुरंग के रास्ते रानी दुर्गावती मंडला से इस किले में आती थी। वहीं किले का रास्ता यहाँ से पास वाले शारदा मंदिर तक भी जाता है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती इस मंदिर में पूजा करती थी। इस किले में सोने के गड़े होने की जो कहानी प्रचलित है, वो कुछ ऐसी है कि यहाँ दो सोने की ईंटें गड़ी हुई हैं, जिसे अब तक कोई ढूंढ नहीं सका है। हालांकि सोने की ईंटें खोजने के लिए कई रिसर्चर्स और विशेषज्ञ भी आए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग सका। लेकिन ईंटें गड़ी होने के दावे आज भी किए जाते हैं। मदन महल किले को एक बड़ी ग्रेनाइट चट्टान को तराश कर बनाया गया है, जो एक पहाड़ी पर जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है। किले की चोटी पर पहुंचने पर आपको जबलपुर शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। अब जब ये किला इतना दिलचस्प है, तो फिर इस किले को घूमने की भी इच्छा आपकी हो ही गई होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप कैसे इस किले तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचे मदन महल किला? हवाई यात्रा। मदन महल किले तक पहुंचने के लिए आपको पहले जबलपुर पहुंचना होगा। दिल्ली और मुंबई से यहां के डुमना एयरपोर्ट के लिए रोजाना फ्लाइट्स हैं। एयरपोर्ट से आप किले तक पहुंचने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। रेलवे यात्रा। जबलपुर मध्य भारत का मुख्य स्टेशन होने की वजह से दिल्ली मुंबई समेत सभी बड़े स्टेशनों से यहाँ के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। हैदराबाद, पुणे, वाराणसी, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रायपुर, पटना, हावड़ा, गुवाहाटी और जयपुर जाने वाली ट्रेनों का जबलपुर स्टॉपेज भी है। सड़क यात्रा। सभी बड़े शहरों से जबलपुर तक सड़क के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। जबलपुर से NH7 गुजरता है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक के कई शहरों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा नागपुर, भोपाल, रायपुर से भी जबलपुर तक पहुंचा जा सकता है। मदन महल किला घूमने का सबसे अच्छा समय। जबलपुर में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, इसलिए इन स्थानों पर जाने से बचना हमेशा बेहतर होता है। अगर अक्टूबर से मार्च तक यहाँ आते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होता है। कह सकते हैं कि सर्दियों में यहाँ आना सबसे बेहतर समय माना जाता है। मदन महल दुर्ग के आसपास कहाँ जा सकते हैं? वैसे तो मदन महल ही अपने आप में एक अद्भुत जगह है घूमने के लिए। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो पिसनहरी की माजिया, भगवान शिव की प्रतिमा, बैलेंसिंग रॉक्स, डुमना नेचर रिजर्व, भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टाने, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। तो अब आप बताइए कि अब आप जबलपुर के इस मदन महल किले को घूमने के लिए कब आ रहे हैं।